यदि आप गरीब परिवार में जन्मे हैं, तो यह आपकी गलती नहीं है। लेकिन यदि आप गरीब रहकर ही मर जाते हैं, तो यह आपकी गलती है। ऐसा कहना है इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स का, जो अपनी सच्ची लगन और मेहनत के बल पर इस मुकाम पर आ पहुंचे हैं कि अगर वो इस विश्व में अपना एक अलग देश बनाए, तो भी वह दुनिया का 37वां सबसे अमीर देश होगा। बिल गेट्स प्रत्येक दिन लगभग 102 करोड़ रुपए कमाते हैं, और कहा जाता है कि बिल गेट्स अगर पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति का बराबर बराबर रुपया बांटें, तो हर एक के हिस्से में करीब 5000 रुपए आएंगे। बिल गेट्स का वास्तविक नाम विलियम हेनरी गेट्स है। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के सिएटल में हुआ था। बिल गेट्स के पिता विलियम एच गेट्स थे, जो कि एक मशहूर वकील हुआ करते थे। उनके माता पिता उनके लिए लॉ में कैरियर बनाने का स्वप्न लेकर बैठे थे, लेकिन बिल को बचपन से ही कंप्यूटर और उनकी प्रोग्रामिंग भाषाओं में बहुत ज्यादा रुचि थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लेकसाइड स्कूल में हुई। लेकसाइड स्कूल में विद्यार्थियों को कंप्यूटर सीखने और उसे और अधिक जानने के लिए स्कूल की तरफ से कंप्यूटर दे दिया गया, जिससे बिल गेट्स की कंप्यूटर में रुचि और बढ़ने लगी। बिल को कंप्यूटर सीखने से ज्यादा यह जानने की रुचि थी कि आखिर यह काम कैसे करता है। कुछ साल कंप्यूटर की जानकारी होने के बाद उन्होंने 13 साल की उम्र में बेसिक कंप्यूटर की भाषा में एक टिक टैक टो नाम का प्रोग्राम बनाया, जो कि एक तरह का गेम था। इसमें खास बात यह थी कि कोई भी व्यक्ति उस गेम को कंप्यूटर के साथ खेल सकता था। मतलब उस गेम को खेलने के लिए दो लोगों की आवश्यकता नहीं थी। स्कूलिंग के समय ही बिल गेट्स की मुलाकात पॉल एलन से हुई, जो उनसे 2 साल सीनियर थे। अपनी कंप्यूटर की मिलती धारणाओं और विचारों की वजह से वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए, जबकि दूसरी तरफ उनके स्वभाव बिल्कुल भी नहीं मिला करते थे। पॉल एलन बहुत ही शर्मीले और शांत स्वभाव के थे, लेकिन बिल गेट्स उनके विपरीत थोड़े चंचल स्वभाव के थे। बिल गेट्स के स्कूल वालों ने उन्हें और उनके दोस्त एलन को कंप्यूटर लैब में जाने का रोक लगा दिया था, क्योंकि वे दोनों अपने कंप्यूटर सीखने के वक्त के अलावा अपनी पढ़ाई छोड़कर सारा वक्त लैब में बिताते थे और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ किया करते थे। बाद में दोनों को फिर से इस शर्त पर लैब में आने की इजाजत मिल गई कि वे प्रोग्राम्स में एरर निकालेंगे। इसी समय गेट्स ने एक और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया, जो स्कूल के टाइम टेबल शेड्यूल में काम आता था। सन 1970 में 15 साल की उम्र में ही बिल गेट्स और एलन ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया, जो कि शहर के ट्रैफिक पैटर्न पर नजर रखता था। उन्हें इस प्रोग्राम के लिए $20,000 मिले, जो इनकी पहली कमाई थी। 1973 में वह लेकसाइड स्कूल से पास हुए। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया, लेकिन बिल गेट्स ने 1975 में बिना ग्रेजुएशन किए कॉलेज छोड़ दी और अपने कंपनी की तरफ ध्यान देने लगे। 26 नवंबर 1976 को उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया, और देखते ही देखते कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया। बिल गेट्स की संपत्ति में भी उनके बच्चों का कोई हक नहीं होगा। बिल कहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन कमाई के लिए उन्हें अपने रास्ते खुद निकालने होंगे। गेट्स को बचपन से ही लोगों की मदद करना अच्छा लगता था, और आज वो गरीबों व जरूरतमंदों की मदद के लिए हर साल
करोड़ों रुपया दान कर देते हैं। गेट्स ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। उनका हमेशा से ही यही मानना था कि गलतियां तो सभी से होती हैं, लेकिन उन गलतियों को जो सुधारने का प्रयास करे वही जीवन में सफल हो पाता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।